और यहाँ जो बर्फ दिख रही है इसको पार करके फिर पहुँच गए हम यहाँ टॉप में। भयंकर है ना, अगर हम गलती से फिसल गए, सोचिए हम जहाँ से आए थे वहीं पहुँच जाएंगे। आज हमारे साथ एक, अरे पहले हेलो तो बोलो। ऐसे ऐसे रस्तों को पार करके हमें जाना पड़ रहा है। भागो। ये बन गए इसके हाथ, ये टैडी बन गए हाथ, ये पता कैसे। तो आज के दिन भी यहाँ पे इतनी भीड़ देखने को मिलेगी आपको, आप खुद देखिए। वाह 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 वाह, मजा आ गया। पाला गिरा। अगर हम यहाँ पे टच करेंगे ना, देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बर्फ है ये पूरी। तो शुरू हो चुका है एक नया दिन एक नए ब्लॉग के साथ, और आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है लगभग 11 बजे से शुरू, और आज हम जा रहे हैं घूमने। मैं जा रहा हूँ, मेरी बहन जा रही है, और दो और फ्रेंड है वो भी जा रहे हैं। तो सुरकंडा इस साल मैं पहली बार जा रहा हूँ, मतलब 2023 में। पिछले साल कितनी बार चला गया था वो तो आपने मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और निकलते हैं सुरकंडा की तरफ। वैसे तो हम बर्फ के उससे जा रहे हैं और माता के दर्शन करने तो खैर जा ही रहे हैं, और देखते हैं कि बर्फ मिलेगी तो और बढ़िया हो जाएगा। तो चलो निकलते हैं आज की इस सफर के लिए और देखते हैं कितना मजा आने वाला है। तो निकल चुके हैं हम घर से, बस चंबा से गाड़ी आने वाली है। और यहाँ पे सबसे बेकार चीज़ क्या है पता है, सुरकंडा गाड़ी बहुत कम मिलती है। मिलती तो हैं लेकिन भर के आती है सब चंबा से, इसलिए एडवांस में पहले चंबा बोलना पड़ता है कि दो सवारी खाली रखना। तो हमारे साथ जो दो और आ रहे उनको हमने पहले बोल दिया और हम दो यहाँ से जा रहे हैं। वेट करती है, देखते कितनी देर में वो गाड़ी आती है। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम सुरकंडा, और इस बार कुछ हमारे लिए नया है क्योंकि हम इस बार वहां मेन कद्दूखाल से नहीं जा रहे, हम जा रहे यहां पीछे वाले रास्ते से। उसका रीज़न ये कि हमें दिखानी है आपको बर्फ, और हमारे साथ है तीन, एक है बहन और दो और फ्रेंड। हेलो हेलो। और ये देखो सबसे बढ़िया क्या दिखा हमें सबसे पहले यहाँ पे, और ये है बर्फ। आज हम उसी जगह से आ रहे हैं, मतलब हमने एक बार कैंपिंग की थी यहीं ऊपर इस बीच एरिया में, और वहाँ आज भी बर्फ़ दिख रही है उस टाइम भी, और कुछ सालों बाद तो यहाँ भी बर्फ़ नहीं दिखेगी क्योंकि पिछली बार तक हमारे घर में भी पड़ती थी लेकिन इस बार कहीं भी नहीं पड़ी। तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। और देखिए दोस्तों यहाँ से अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। चलो 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 जल्दी। और आरती पहली बार मतलब बर्फ देख रहे, कैसा लग रहा है? बढ़िया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इतना पाला गिरा है ना, तो यहाँ पे गिरने के चांसेस ज्यादा। वाह 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 वाह, मजा आ गया भाई साहब। आराम से ये तो ट्रेलर है, पिक्चर आपको ऊपर दिखेगी, ऊपर और ज्यादा टाइट बर्फ होने वाली। आज हमारे साथ एक, अरे पहले हेलो तो बोलो। मैं कह रहा था आज हमारे साथ एक और ब्लॉगर है, पूजा डबराल। अरे यार पूजा भट्ट ब्लॉग, सॉरी मैं डबराल बोल रहा हूँ, अपनी उसमें आ गया। तो मेरे को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बिल्कुल कीजिए। वीडियो मत देखना, बस सब्सक्राइब कर देना, वीडियो मत देखना। तो इन सबको बहुत जल्दी हो रही है, फटाफट भाग रहे हैं, और हमें यहाँ से जाना है इन जंगल के बीचों से बीच, और यहाँ जो बर्फ़ दिख रही है इसको पार करके फिर पहुँचेंगे हम यहाँ टॉप में। तो यहीं इसी पेड़ों के पीछे है बस जस्ट सुरकंडा मंदिर, और वहीं हमने जाना है। बाकी सब लोग आगे चले गए, मैं चल रहा हूँ थोड़ा पीछे पीछे क्योंकि आपको पूरा एक्सप्लोर कराना है तो इसलिए। और यहाँ पे ऑल टोटल आपको देवदार और चीड़ के पेड़ मिलेंगे, और जहाँ देवदार के पेड़ मिलते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए यहाँ ये पूरे देवदार के पेड़ हैं। अब शुरुआत हो चुकी है बर्फ पड़ने की। शुरुआत इन्होंने की थी इसलिए अब भागने का टाइम आ चुका है इनका। ये कह रही कि इसने लाल पहन के आया बर्फ में, भूत लगता है ऐसे, है ना? लगने के 100% खूब है, वाह वाह वाह, मजा आ गया। अभी ऐसे ऐसे किस्से आपको ऊपर बहुत देखने को मिलेंगे अभी जाते जाते, इसलिए मैं संभल के चल रहा हूँ अभी। इसका फोन फोड़ दूँ क्या? अरे अरे चलो कुछ नहीं।
गाइस बाय बाय हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए कल रात इतना भयंकर पाला गिरा, अगर हम यहाँ पे टच करेंगे ना देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बर्फ है ये पूरी, इतना टाइट हो रखी है जिसकी वजह से फिसलन काफी है। हमारे जूते भी देखे नीचे से कैसे, तो यहाँ पे चलना काफी टफ है और पूरा एडवेंचर हो रहा है हमारा, इतने पत्थरों में चल रहे हैं सबके साथ। दो हाथ दो, बिल्कुल भी आराम से, अरे आराम से, ऐसी है मतलब बचाने की जगह दूसरों को गिरा के छोड़े है। भाई साहब गाइस ये देखिए बर्फ, मतलब ऐसी बर्फ है ना अगर ऊपर फेंकेंगे तो ऐसे पूरा चूरा बन रहा है, हाथ इतने ठंडे पड़ रहे हैं ना इसमें। चलो जितने हम ऊपर ऊपर जा रहे देखिए ऐसे व्यू देखने को मिलेंगे हमें। देखो हमारे साथ प्रोफेशनल ब्लॉगर चढ़ रही है, हमारे साथ प्रोफेशनल ब्लॉगर चढ़ रही है। यहाँ देख पहाड़ भाई साहब, और पहाड़ इतना भयंकर है ना अगर हम गलती से फिसल गए सोचिए हम जहाँ से आए थे वहीं पहुँच जाएंगे, और इस एरिया में कहीं भी बर्फ नहीं दिख रही, सिर्फ वो पहाड़ है जो दिखाई। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, दूसरा खुद ही बोल रहा है। दोस्तों हमें यहाँ बीच में एक रास्ते में पेड़ गिरा हुआ मिला, अब इसको क्रॉस कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा, सबको थक लग गई है पीछे वालों को भी, ऐसे ऐसे रास्तों को पार करके हमें जाना पड़ रहा है। और आ जाओ जाओ जाओ, ऊपर है पाकिस्तान, ये है इंडिया, अभी बता भागो। देखो मैंने दुश्मन देश के छक्के छुड़ाए। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग एक टैडी बना रहे हैं क्योंकि हम खिंचाने वाले उसके साथ फोटो, और इसलिए तैयारियां चल रही जोरों शोरों से, जल्दी जल्दी जल्दी, हरे अप हरे अप, अरे गुड तोड़े आलू लफड़े लफड़े थक गिना। कुछ नहीं इनकी बस की, खाली फोकट में फोटो खिंचाने आ रखे हैं। हाँ हाँ अच्छे से बनाना, हाथ भी पाँव भी मुंह भी नाक भी सब। गाइस देखिए लोग यहाँ पे, इनकी बस की इसलिए मुझे बनाना क्यों नहीं है हमारी बस की। देखिए गाइस ये गुड्डा है ना ये इतना सा, ये ना मैंने ही इकट्ठा किया, और ये तो हमारे हाथ तो ऐसे ठंडे रहे। कुछ ही नहीं है गाइस इनकी बस की, इसकी खोपड़ी, ये खोपड़ी वाह, इसकी सकलारी अंकुश में मस्त वाली देखिए कितना प्यार। और ये बन गए इसके हाथ, ये टैडी बन गए हाथ, ईशा मशीन, ये पता कैसे लग रहा है, ईशा मशीन ही होता जो अभी हाथ बनने बाकी है। गाइस मेरे हाथ ठंडे हो गए भयंकर, गाइस देख सकते हैं लकड़ी, मुझे माता मेरा हाथ ठंडे हो गाइस। नहीं ये, अरे ये, मैं बताती हूँ, मसूर मिल जाएगा। अंगार लेके आना था तूने, अंगार आग जगह में रुक भाई, ये बन गई देखिए नीली ये अंकुश सारा बनाई गई है आंखें गाइस, और ये बन गया नीली आंखें, और सींग ये सुहाने सा सींग भी बन गए गाइस, हमारा डॉग तैयार है। चलो अब फोटो शूट का टाइम, आज हमने बहुत एंजॉय कर लिया, अभी भी बर्फ देख रहे होंगे आप पीछे, तो अभी रगड़ी खेल के आने वाले हैं नीचे। ये बस हो गया, आज थक गए हम बर्फ देख देख के, लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा भयंकर की, यहाँ देखो लेकिन बर्फ बहुत अच्छी दिख रही है, यहाँ भी यहाँ भी, अभी पता नहीं कहाँ तक जाना है ऊपर। वो सूर्य देवता की हमें धूप दिख चुकी है, और नहीं तो इतनी भयंकर हाथ ठंडे हो गए थे ना, भयंकर ही ठंडे।
सभी लोग थक चुके हैं। देखिए सबसे पहले मैं ही चल रहा हूँ और यहाँ देखिए ऊपर कितने मस्त पहाड़ दिख रहे हैं। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं और ज़्यादा ज़्यादा बर्फ़ दिख रही है। ये देखिए दोस्तों, हमें अभी इस पहाड़ के ऊपर जाना है और आपको पता हम कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से मतलब ऐसे ऐसे घूम घूम के इस साइड से ऐसे ऐसे करके, और वहाँ पर जो गेट दिख रहा होगा आपको नीचे, यहाँ पर साइड से गेट, तो वहीं से आ रहे हैं। और थक लग गई सबको, यहाँ पे बर्फ़ बड़ी प्यारी दिख रही है। अभी तो ऊपर जाने, अब थोड़ा पिघलने लग गई क्योंकि यहाँ धूप ज़्यादा है ना, ये तो इतनी गहरी पड़ी थी यहाँ, देखिए पूरा हाथ डूब रहा है मेरा। तो ये सामने हिमालय और आखिरकार हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये रहा सामने मंदिर, और जहाँ न कहीं आपको ये लोग बर्फ में खेलते हुए दिखाई देंगे। और जब हम मंदिर में पहुँचेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ये मंदिर के पीछे वाली साइड कितनी ज़्यादा बर्फ। भगवान जी माफ़ करना हमें, क्योंकि हम आए इस रास्ते से हैं कि हमें मजबूरन यहाँ से जूते ले जाने पड़ रहे हैं, लेकिन हम जल्दी से साइड से निकल जाएंगे और आप फिर आएंगे मंदिर में। तो दोस्तों अभी ले रहे हैं हम प्रसाद, और पांव ऐसे ठंडे पड़ गए इसलिए नीचे नहीं रखे जा रहे। यहाँ देखो फिर भी लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं इतनी ठंडी बर्फ़ में, वो भी नंगे पांव। मेरे तो पांव सुन्न पड़ गए इतने में। ये देख रहूँगा बाकी पूरा मंदिर की जो बर्फ़ है वो पिघल चुकी है। तो आज के दिन भी यहाँ पर इतनी भीड़ देखने को मिलेगी आपको, आप खुद देखिए। और यहाँ पर भी देख रहे होंगे थोड़ा बहुत पिघल चुकी है, हमारी किस्मत में है। और इन्होंने अपने बैग वैग मेरे पास पकड़ा दिए, और इस टाइम पे रोप वे भी चल रहा है इधर। हम इधर से आए इसलिए आपको दिखा नहीं पाए, इस साइड कुछ ऐसा मौसम हो रखा है आज। ये है मेन सुरकंडा मंदिर, सामने है भैरव मंदिर, ये है हनुमान मंदिर, ये है शिव मंदिर, और ये है हवन कुंड। और ये पांचों मंदिर फेमस है, तो लोग आते हैं यहाँ पर तो हर जगह घूमते हैं। और कैसे लोग आप देख रहे होंगे इन्जॉय कर रहे हैं, बर्फ़ का फिसलन काफ़ी ज़्यादा है इसलिए बच के चढ़ना पड़ रहा है। और अगर शायद से हम यहाँ पे कल आते तो कल और ज़्यादा बर्फ़ दिखनी थी, लेकिन कल नहीं आ पाए हम, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देख ली। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम अब निकल चुके हैं घर की तरफ। ये देखो इनको ज़्यादा जल्दी हो रही, जूते उतर पैर का फिट हो। अब हमारा टाइम है, यहाँ से भी आप जा सकते हो रोपवे के थ्रू। पिछली बार मैं आया था उस टाइम 205 था, इस बार कितना हो गया क्योंकि हर टाइम बढ़ता रहता है, ये उतना ही है 205 अगर आना चाहो आप। ऊपर मंदिर से हम नीचे आ चुके हैं और ये है मेन रोड, और यहाँ से देखिए क्या प्यारे नज़ारे दिख रहे हैं। सब कुछ घूमने के बाद अब निकल चुके हैं हम घर। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय माता दी।